अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सबम गदर अपने नए व्लॉग के साथ। और आज का जनाब जो व्लॉग है वो है ये बाहर का मौसम, बाहर का जो वेदर यानी बारिश। बड़े दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम सारे फेड अप हो चुके थे कि बाहर आउटिंग के लिए जाएं, अगर जाएं तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। तो आज सुबह भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन उसके बाद 12 बजे के बाद बादल आए हैं, फिर हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हुई है और फिर साथ ही बारिश आ गई है। तो जब बारिश होती है तो हमारी सारी फैमिली का मूड ये होता है कि हम लोग आउटिंग के लिए चलें, कुछ खा पी के आएँ और इंजॉय करके आएँ। तो आज सुबह भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन 12 बजे के बाद जो है वो मौसम तब्दील होना शुरू हुआ, हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हुई, फिर बादल आए और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। मैं कुकिंग कर रही थी तो बच्चों ने मुझे आके किचन में आके बताया, मामा बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बाबा ने कहा है कि बारिश हो रही है, अगर बारिश हुई तो मैं आप लोगों को बाहर समोसे खिलाने लेके जाऊंगा। तो मामा फटाफट रेडी हो जाए, हम लोग बाहर चलते हैं। तो मैंने हंडिया मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने कहा चले मैं फटाफट बात लेती हूँ और फिर हम लोग बाहर चलते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो हम लोगों की फेवरेट प्लेस है और यहाँ का लाहौर का मशहूर एरिया भी है। मैं वहाँ जा के आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस एरिए से हम लोग समोसे खाते हैं, और हमें वहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बच्चों को भी, हम दोनों मियाँ बीवी को भी। तो चलें अब चलते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं सफा वाला चौक से, अभी हम लोग गुजर रहे हैं और मिनी फूड स्ट्रीट एरिया, मजंग मार्केट, आबद मार्केट, बहुत से एरिए जो हैं यहाँ से इस एरिए से लिंक्ड है, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा है लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कुछ गाड़ियों में घूम रहे हैं, कुछ बाइक्स पे घूम रहे हैं। और बारिश जो जो बढ़ती जाएगी इसी तरह से लोग घरों से बाहर निकलते जाएंगे, खाने पीने की शॉप्स पे रश बढ़ता जाएगा, और स्पेशली जो स्नैक शॉप्स हैं जिस तरह समोसा पकौड़ा इस तरह की चीज़ों पर लोग जो हैं वो इस मौसम में ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और अभी मैं आप लोगों को ये देखें, आप व्यू खामोशी से देखें, बड़ा मज़े का व्यू लग रहा है यार। कुछ शॉप जो हैं वो बंद है, अभी ओपन नहीं हो रही। हाँ जी सैटरडे संडे, हाँ जी मुझे याद आया सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होता है यहाँ पे, इस वजह से कुछ शॉप जो हैं वो बंद हैं, लेकिन जो ज़रूरी अशिया वगैरह की जो शॉप्स हैं, मतलब दूध दही वगैरह और बेकरी वगैरह, उनकी शॉप ओपन है और खाने पीने की भी एज यूजुअल। ये देखिए नहीं, मैं तो गाड़ी में बैठी हूँ। हम लोग आए हैं जो मजंग बाज़ार है वो भी पीछे बैक साइड पे ना, मजंग बाज़ार है और वहाँ पे एक समोसा शॉप है जिसके समोसे जो हैं हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मेरे हस्बैंड जो हैं गाड़ी यहाँ खड़ी करके, तो ये तीनों बच्चे भी यार आपके साथ जाएंगे, हाँ बच्चे भी बाबा के साथ जाएंगे, तो मैं गाड़ी में बैठ के आप लोगों को यहाँ के व्यू दिखाऊँगी और बारिश आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखें अभी शुक्र करें कि इतना पानी खड़ा होना नहीं शुरू हुआ, नहीं तो कुछ ही घंटों में जनाब यहाँ पे, बल्कि कुछ ही मिनटों में यहाँ पे पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। अब मैं आप लोगों को सारा साइड भी दिखाती हूँ, इस साइड पर भी दिखाती हूँ जी। हाँ जी ये देखें अब रोड पे जनाब पानी खड़ा होना शुरू हो गया इस साइड पे, और ये लोग अभी बाजार में जाएंगे। मेरा दिल नहीं खा रहा तो मैंने कहा ये लोग चले जाते हैं। ये मेरे हस्बैंड
और मेरी बेटी जाइना और मेरा बेटा जुहेर। जुहेर को बहुत शौक है गंदे पानी में पाँव डालने का, जितना मर्जी इसको मना करना। देखें आप लोग, बारिश पानी बल्कि अंदर आ रहा है गाड़ी से। ये लगी, अब हमारे समोसे आ गए हैं। बच्चों अब आप लोग खुश हो? Are you happy? नहीं। Why no? जाना की कभी भी ख्वाहिशें जो है ना खत्म नहीं होती। चले जी अब हम वापस घर जा रहे हैं ना यार। चले जी अब हमने समोसे ले लिए हैं। ओहो अब हम घर जा रहे हैं। मैं आप लोगों को अब साथ साथ रोड भी दिखाती जाऊंगी और बारिश भी, बारिश अब थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। ये अभी मार्केट है जनाब, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक की फर्नीचर भी है यहाँ पे यार, क्या इलेक्ट्रॉनिक था? हाँ सॉरी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शॉप था। हाँ जहेज जो है जनाब, आपका वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन, एसी, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये लाहौर की बहुत मशहूर मार्केट, और ये वोस बेकरी है यहाँ की। यहाँ से हम लोग जनाब, इस बेकरी से हम लोग ब्रेड, अंडे वगैरह हम लोग यहीं से बाय करते हैं। बड़ी मज़े की इनकी आइटम्स होती हैं। ये देखें, पहले हम लोग इसी एरिया में रहते थे, उस साइड पे थोड़ा सा आगे गली में जा के। किसी दिन मैं आप लोगों को वो रोंगी करवाऊँगी कि हम पहले किस एरिया में रहते थे और घर किस तरह का था। ये देखें, ये यहाँ का ब्यूटी पार्लर है, ज़ारा ब्यूटी पार्लर, मशहूर ब्यूटी पार्लर है यहाँ का। और यहाँ बारिश बिल्कुल ब्राइन आम हो गई है जनाब, कम हो गई। जी अब हम रोड से आ गए हैं। अब यहाँ का रश देखें। और समोसों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा कल्चरल जो है ये फूड है, स्नैक है। जो इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं उन लोगों को तो पता है कि समोसे क्या हैं, यहाँ खाए जाते हैं। लेकिन जो फॉरनर हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग स्नैक्स के तौर पर ये यूज़ करते हैं, स्पेशली जब बारिश होती है तो उसमें जो समोसे और पकौड़े वगैरह हैं, पकौड़े भी मैं समटाइम आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी हमारा कल्चरल फूड है जो कि हम स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हम समोसे खाने लगे हैं तो इंजॉय करते हैं हम अपने समोसे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग जनाब पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपने फीडबैक में मुझे बताना है, और मज़ीद अपनी जो सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप लोग बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सब हम गलत से ज़्यादा दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।